राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में यमुना के बढ़ते पानी के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। यमुना का जलस्तर 208.53 मीटर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। आईटीओ, निगमबोध घाट, कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, सिविल लाइंस जैसे इलाकों में 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ के कारण दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में है। निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से एक दूसरे से मदद की अपील की है। राजधानी दिल्ली में 1978 के बाद पहली बार यमुना का जलस्तर इतना बढ़ा है। 1978 में दिल्ली में आए बाढ़ से भारी तबाही मची थी। इस दौरान जानमाल का काफी नुकसान हुआ था। इस बार भी यमुना अब रौद्र रूप में है। दिल्ली के कई पॉश इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सिविल लाइंस में सीएम के आवास से 1 किलोमीटर दूर तक 2 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। दिल्ली में बाढ़ के कारण कई मेट्रो स्टेशनों के आसपास पानी लग गया है, जिसके बाद DMRC ने मेट्रो की रफ्तार घटा की गई है। दिल्ली के कश्मीरी जेट ISBT बस अड्डे पर भी पानी भर गया है। एक तरफ की सड़क पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब गई है। यहाँ ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। कश्मीरी गेट से आगे सिविल लाइंस की ओर जाने का रास्ता अब बंद कर दिया गया है। सारे ट्रैफिक को 30 हजारी की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है।